राजस्थानी तड़का वितोषी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ मेथी मटरी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो ये मेथी मटरी बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम मैदा और इसमें मैं डाल देती हूँ आधा चम्मच अजवाइन, एक चम्मच नमक और ये 2 चम्मच कसूरी मेथी जिसे मैं हाथों से मसल कर डाल रही हूँ। इसे मिक्स कर लेते हैं और 1 चम्मच कसूरी मेथी मैं बिना मसले डालूंगी, इसे भी मिक्स कर देते हैं। और अब मैं इसमें डालती हूँ मोयन, तो ये आधी कटोरी मैंने तेल डाला है इसमें रिफाइंड, और ये आधी कटोरी तेल जो बचा है हमारे पास इसे हम थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे और मोयन चेक कर लेंगे। तो मोयन चेक करने के लिए मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है, और ये देखिए इसे जब हाथ में इस तरह से लेते हैं तो ये लड्डू की तरह बन जाता है और गिरता नहीं है, इसका मतलब मोयन परफेक्ट है। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अब इसका टाइट डो बना लेंगे। ध्यान रखें कि पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें। तो ये डो तैयार है और अब मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देती हूँ। तो ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और अब मैं छोटी छोटी लोइयां लेकर के मटरी का आकार देती हूँ, ये देखिए इस तरह से। तो एक एक करके अगर हम मटरियां बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसके लिए भी देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। एक बड़ी सी लोई लीजिए, उसे रोल कीजिए और छोटी छोटी लोइयां तोड़ लीजिए और दोनों हाथों के बीच में इस तरह से दबाते हुए मटरियां तैयार कीजिए। अगर आप चाहें तो एक बार तलने जितनी मटरियां तैयार कर लीजिए और जब तक हम उन्हें तलेंगे तब तक दूसरी तैयार कर लेंगे। तो इस तरह क्या है कि हमारा काम जल्दी खत्म हो जाएगा। और ये देखिए सभी मटरियां मैंने तैयार कर ली हैं, थिकनेस आप देख सकते हैं एक मटरी की जितनी होती है। दूसरी तरफ मैंने तेल गरम कर लिया, तेल हमें ज़्यादा गरम नहीं चाहिए क्योंकि ज़्यादा गरम तेल पर अगर हम मटरियां तलेंगे तो मटरियां ऊपर से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो अब हम इसमें ये जो मटरियां हमने तैयार की थी वो तल लेते हैं। एक बार की मटरी तलने में करीब 5 से 7 मिनट का समय लगेगा। अगर हमें खस्ता मटरी बनानी है तो हमें मीडियम फ्लेम पर ही मटरी तलनी चाहिए। थोड़ा सा चम्मच से हिला देते हैं और उसके बाद उलट पुलट करते हुए गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमें इन्हें तलना है। तो ये देखिए गोल्डन ब्राउन कलर हो गया और अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। तो सभी मटरियां मैंने निकाल ली हैं और ये देखिए कितनी बढ़िया सिकी हैं। इसी तरह से मैं बची हुई मटरियां भी डाल देती हूँ और इन्हें भी तल लेती हूँ। तो दोस्तों होली का त्यौहार है और आप ये खस्ता मटरी जरूर बनाइए, मेहमानों को खिलाइए या जब आपका मन करे चाय के साथ इन मटरियों का आनंद लीजिए। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिए और इसी तरह की आसान रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ये देखिए कितनी बढ़िया मटरी तैयार हुई है और अब मैं आपको एक मटरी तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर तक कितनी बढ़िया सिकी है। थैंक यू।